हेलो दोस्तों, मैं हूं सरोन और मेरे चैनल का नाम एसकेडी टेक 3M है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप नए यूट्यूबर हैं या चैनल क्रिएट किए हैं तो दोस्तों आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। खुद आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो दूसरा कोई क्या करेगा भाई, ये तो सोचिए। जब आपके घर वाले ही सपोर्ट, मतलब आपका बचपन जिस घर में गुजरा है वो घर वाले, जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं यूट्यूब के लिए तो खुद आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो दूसरा कोई क्या करेगा, आप खुद सोच के देखिए। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात ये है कि मतलब जब आप चैनल, अपना चैनल न्यू खोल रहे हैं तो उस पर आपका घर वालों का सपोर्ट होना चाहिए। जब ये सोचिए कि जब घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कोई क्या करेगा यार। तो मतलब आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे, हिम्मत नहीं हारना है। मेरा क्या है, मैं तो भाई, मैं अगर मेरे YouTube से कमाई नहीं हो रही है, मैं तो सितंबर से अपना चैनल क्रिएट किया हूँ, मतलब 3 महीना हो गया है मेरे चैनल का। तो मतलब मेरे चैनल पे व्यूज उतना नहीं आते हैं जैसे किसी पे 4-5, या सबसे ज़्यादा मेरे व्यूज एक वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज आए हैं जिसपे मतलब 800 व्यूज होने वाले हैं। मतलब मेरे चैनल को अभी 3 महीना हुआ है। सपोर्ट आपको खुद यूट्यूब नहीं करता है, मतलब घर वाले तो छोड़ यार, यूट्यूब भी नहीं सपोर्ट करता है। यूट्यूब के एल्गोरिदम भी सपोर्ट नहीं करेगा आपको, मतलब आपका वीडियो ट्रेंडिंग में आएगा ही नहीं, लोगों के पास जाएगा ही नहीं जल्दी। तो यूट्यूब बहुत, मतलब नया चैनल क्रिएट करने के बाद आपको बहुत परेशानियों से जूझना पड़ता है आपको। और इस समय तो भाई 2022 में तो इतना कंपटीशन है भैया कि मतलब अब नया यूट्यूबर करे तो क्या करे यार। और एक बात और मैं बता दूं यार, चैनल मतलब पैसे से चैनल मोनेटाइज मत करवाना, क्योंकि यार मोनेटाइज तो आप पैसे के लिए कर दोगे लेकिन उस पे भाई आपके व्यूज ही नहीं आएंगे, तो चैनल पैसे देकर आपका पैसा भी नुकसान होगा, और पैसा देकर मोनेटाइज करवा लेंगे तो उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, तो आपका पैसा नुकसान ही नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि यार वो ग्रो नहीं कर पाता है, पैड वाला चैनल ग्रो नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना है यार, हिम्मत बस रखना है आपको, जैसे मैं रखा हूँ। मुझे 10 साल लग जाए यूट्यूब पे, मतलब मेरा चैनल ग्रो होने में 10 साल लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, बस मुझे हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत नहीं हारा, रोज एक वीडियो अपलोड करना है मुझे, चाहे 10 साल लग जाए, क्योंकि मैं यार यूट्यूब के भरोसे फिलहाल मैं नहीं बैठा हूँ। जिस समय चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद क्या करना है वो सोचा जाएगा, लेकिन इस समय मुझे यूट्यूब यूट्यूब से 1 रुपये का भी उम्मीद नहीं रखना है 2-3 साल तक। मैं 10 साल कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे मैं जॉब करता हूँ, खुद ऑलरेडी जॉब करता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि मुझे दुगना मेहनत करना है, जॉब भी करना है और ये वीडियो भी बनाना है। दोस्तों, मैं जॉब दिन में जॉब करता हूँ और रात में चाहे जितना टाइम लग जाए, मतलब 1 बज जाता है मुझे सोते सोते, और फिर सुबह उठना भी है मुझे। मैं जैसे 4 बजे या 5 बजे के टाइम में उठ जाता हूँ, फिर उठने के बाद कुछ समय वीडियो पे, मोबाइल पे काम करूँगा अपने चैनल पे कुछ, उसके बाद फिर चला जाऊँगा ड्यूटी, जॉब पे चला जाऊँगा, फिर आऊँगा तो फिर मुझे चैनल पे काम करना है। तो ऐसे करने से यार मेहनत तो है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, मैं बस यूट्यूब को टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि यार मेरा भी घर परिवार है, खर्चा है, सारा चीज़ तो देखना यार। YouTube अब पता नहीं कब ग्रो होगा कब नहीं होगा, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए मैं YouTube के भरोसे नहीं बैठा हूँ। जिस समय चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उस समय YouTube का भरोसा मैं कर सकता हूँ और मैं घर बैठ जाऊँगा YouTube के भरोसे, फिलहाल मैं तो नहीं बैठूँगा। तो बस आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको जितना मेहनत करना पड़े आपको करना है, और रोज एक वीडियो अपलोड करना है तो करना है, ये सोच के रखिए, अपने दिमाग में ये बात डाल के रखिए, आपको YouTube पे एक वीडियो रोज अपलोड करना है। रोज एक वीडियो अपलोड करेंगे तभी आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा आपका।
नहीं तो ऐसे तो यार किसी दिन वीडियो डाला, मन किया तो डाला, नहीं तो छोड़ दिया। फिर किसी दिन मन उठा कि यार चैनल बनाया हूँ मैं, वीडियो एक डाल ही देता हूँ, फिर मन उठा फिर एक वीडियो डाल दिया। तो ऐसे आपको बहुत साल लग जाएंगे। अगर रोज वीडियो, एक वीडियो रोज अपलोड करेंगे तो आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा। आपको हो सकता है 6 महीने में ही चैनल मोनेटाइज हो जाए आपका, या साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, मतलब इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। अगर आप मतलब चैनल बना चुके हैं और वीडियो अपलोड करने में लापरवाही कर रहे हैं, जैसे एक हफ्ते पे एक वीडियो डाल दिया, 4 दिन पे एक वीडियो बनाया डाल दिया, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाता है, 3 साल 4 साल लग जाता है। और रोज एक वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। तो दोस्तों कहने का मतलब, इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि हिम्मत नहीं हारना है मुझे यार। मैं दिन भर काम करता हूँ, थक जाता हूँ, मुझे जल्दी खाना वाना खा कर मुझे नींद आने लगती है, लेकिन मैं सोता नहीं हूँ। मुझे एक वीडियो रोज बनाना है, चाहे जैसे बनाना पड़े, चाहे 12 बजे रात तक या 1 बजे रात तक बनाना पड़े, लेकिन एक वीडियो बनाकर उसे अपलोड करके टाइमर पे मैं लगा देता हूँ। 5 बजे का मेरा टाइम है वीडियो अपलोड करने का, मैं उस समय का वीडियो अपलोड रात में ही कर देता हूँ और टाइम लगा देता हूँ, टाइम लगा देता हूँ मैं, और वीडियो 5 बजे मतलब पब्लिक हो जाता है मेरा, 5 से 6 बजे तक यही टाइम है मेरा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि हिम्मत नहीं हारना है यार। अगर हिम्मत हार जाएंगे तो मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको हिम्मत रखना है, आप नया चैनल बनाइए और हिम्मत से काम करिए उस पर। हिम्मत मतलब आपको कुछ भी करना पड़े, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर भी आप यूट्यूब के लिए काम कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। बिल्कुल, आपको कितना समय चाहिए? 6 मतलब 5 से 6 घंटे लगेगा आपको वीडियो शूट करने में, और फिर उस वीडियो को एडिटिंग करने में, और उसका थंबनेल बनाने में, मतलब 5 से 6 घंटे में आप एक वीडियो क्रिएट कर लेंगे यूट्यूब पे डालने के लिए। तो मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे तो भाई आप, अगर आप कहीं काम करने जाते हैं, कहीं आपका जॉब लगता है, तो भाई वहाँ कोई काम करते हैं तभी तो आपको पैसा मिलता है उसका, कि आपको बैठने का पैसा कोई थोड़े देगा इस जमाने में। तो कंपटीशन कहीं भी यार, इस समय कहीं भी जाओ कंपटीशन ही कंपटीशन है, यूट्यूब पे भी कंपटीशन है, फिर भी हमको हिम्मत नहीं हारना है। बस हिम्मत रख के काम करना है और रोज एक वीडियो अपलोड करना है, ये दिमाग में डाल लीजिए अपने। और दोस्तों ये मत सोचना है कि यार इसका तो चैनल पे सब्सक्राइबर ही नहीं है तो ये क्या फालतू फालतू बोलेगा, ये करेगा वो करेगा। तो मैं सही बता दूं, जो भंवारते हैं, जो सही इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, उनका वीडियो बहुत चलता है, क्योंकि वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं चैनल पे, उनका चैनल बहुत सालों से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो उनका चैनल जो है ग्रो हो चुका है, मतलब हाई लिस्ट में आ चुके हैं। वो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तभी आज इतने इतने मुकाम पे अपने खड़े हैं, जो गाड़ी ले रहे हैं, ट्रक ले रहे हैं, बस ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहा है, कोई फॉर्चूनर ले रहा है। तो मतलब ऐसे करके ये बात सही है यार, यूट्यूब पे पैसा है, लेकिन आप सही ढंग से काम करेंगे तब। आपको सही ढंग से काम करना है बस, आपको अपने चैनल का SEO करना आना चाहिए, सब कुछ करना आना चाहिए, टाइटल सही लिखिए, डिस्क्रिप्शन सही लिखिए, SEO सही करिए, तब टैग डालिए उसमें। तो ऐसे करके मतलब आपको, अगर नए यूट्यूबर हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपका वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगा, मतलब वायरल होगा। ऐसे कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मैं तो यार वीडियो इतना अपलोड करता हूँ, मतलब 100 वीडियो से ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देखता कि यार मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, व्यूज कितना आ रहे हैं, ये इन सब का टेंशन नहीं रहता है मुझे। क्यों नहीं रहता है? कि भाई मुझे ऐसे ही ग्रो होना है, मेरे चैनल को ऐसे ही ग्रो करना है, चाहे जितना टाइम लग जाए, चाहे जितना टाइम लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। साला हमें काम करना है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे पैसे कमाना है हमें, ये सोच के हम अपने दिमाग में रख लिए हैं कि यूट्यूब से पैसा कमाना है हमें, और हमें
दोस्तों हमें आपको भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप चैनल नहीं क्रिएट किए हैं तो यार कर लीजिए, क्योंकि 2023 में नए यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छा अच्छा अपडेट आने वाला है और आपको हेल्प मिलेगा, यूट्यूब खुद आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अगर चैनल नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब सपोर्ट करेगा। और जो इतने यार, कोई कहता है कि यार इतने यूट्यूबर हैं और इतने लोगों का चैनल मोनेटाइज है, तो आप पैड मोनेटाइज करवाइए, पैसे देकर करवाइए। तो मतलब मेरे हिसाब से, तो भाई मैं सही बता दूं, मेरे हिसाब से पैड मोनेटाइजेशन मतलब आपका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है। आपके चैनल पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो आपका वायरल होगा तो आपके वीडियो पे 1,000 से ज़्यादा व्यूज कभी नहीं आ पाएंगे। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो करिए यार, धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे। नहीं तो यार ऐसे तो पैड मोनेटाइज, जल्दी जल्दी मुझे पैसा कमाना है जल्दी, 1 महीना भी नहीं हुआ और अपना चैनल मोनेटाइज करा के अब सोचेंगे कि अब पैसा कमाना शुरू कर देंगे उससे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा यार। मैं इतना नहीं घबराता हूँ, मुझे मुझे घबराना नहीं है। मैं सोचता हूँ कि यार चाहे जितना टाइम लगे, मेरा चैनल बगैर बगैर पैसे देकर मैं चैनल ग्रो कराऊंगा अपना, चाहे जो टाइम, बस टाइम का मारा मारी है। तो आपको चैनल बना लिए यार, तो अगर चैनल बना लिए हैं तो घबराइए मत, आप आराम से उस पर काम करते रहिए, रोज एक वीडियो अपलोड करिए, पेशेंस बना के रखिए यार। मतलब घबराइए मत, कहने का मतलब ये कि घबराइए मत आप घबरा जाएंगे कि यार मैं 3 महीने में यूट्यूब से पैसा कमाना चालू कर दूं, यार 6 महीने हो गया मुझे यूट्यूब पे वीडियो, मेरा वीडियो यार कोई देख नहीं रहा है, चैनल पे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, ये सब कुछ मत देखिए यार आप। ये सब देखने लगेंगे पहले जो इस समय ग्रो हो चुके हैं चैनल पे, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ग्रो हो चुके हैं, वो 3-4 साल, मतलब 3-4 साल पहले उनका मतलब यूट्यूब पे उतना मारा मारी नहीं था, इतना ट्रैफिक नहीं था यूट्यूब पे। तो उस समय से वो यूट्यूब अपना चैनल बनाए हैं और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना चालू कर दिए हैं, तो उनका मतलब उनका चैनल इस समय बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं वो लोग। तो इस समय तो कंपटीशन है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपका यूट्यूब वीडियो ट्रेंडिंग में लाएगा, बिल्कुल लाएगा, बस आपको घबराना नहीं है। यूट्यूब इतना पागल नहीं यार कि आपको वीडियो वो कहीं नहीं भेजेगा, भेजेगा जरूर भेजेगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है, यूट्यूब को समझने में टाइम लगता है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि बस हिम्मत आपको रखना है, और दोस्तों शुरू शुरू में सपोर्ट कोई नहीं करेगा, लोग अगर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके घर वाले सपोर्ट अगर करेंगे, तो कब करेंगे, जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उससे पैसे आने लगेगा, तब कहेंगे कि हाँ यार ये भी एक पैसा कमाने का तरीका है, क्योंकि मेरे लड़के ने कमा कर दिखाया है इससे, तभी आपके घर वाले तब विश्वास करेंगे। और जो चैनल बनाए हैं उनका तो कोई बातें नहीं है, लेकिन और ऐसे भी लोग विश्वास नहीं करते हैं यार, जो वीडियो रोज यूट्यूब पे हर कोई वीडियो देखता है, लेकिन विश्वास किसी को नहीं रहता है ज़्यादातर। अब नए नए जनरेशन के बच्चे हैं, उनको हो गया है कि भाई यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, पुराने जनरेशन के जो लोग हैं उनको समझाते समझाते साला दिल्ली पैदल चले जाओगे तो तब भी नहीं समझ पाएंगे वो। तो ये होता है यूट्यूब पे, सपोर्ट कोई नहीं करता है, बस आपको हिम्मत रखना है और हिम्मत नहीं हारना है आपको। अगर आप ही खुद हिम्मत हार जाएंगे कि यार मेरे वीडियो पे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो पे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें यार, यूट्यूब ही छोड़ देते हैं, तो छोड़ दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, घाटा किसका है, आपका है। मान लीजिए मैं 100 वीडियो से ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अभी मैं इस समय कह दूँ कि यार ये तो लोग कहते हैं कि आप रोज वीडियो अपलोड करिए और 100 वीडियो डालिए, उसके बाद आपका चैनल ग्रो करने लगेगा और वीडियो पे व्यूज आने लगेंगे, तो यार ऐसा नहीं होता है।
मैं 100 वीडियो से ऊपर डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चैनल ना ग्रो किया है ना कुछ किया है, वैसे कि वैसे ही पड़ा है। बस सब्सक्राइबर बढ़ते हैं रोज, एक या दो ऐसे बढ़ते हैं, तो फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा हूँ यार। मैं तो वीडियो बनाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं वीडियो बनाऊंगा, बना के अपलोड करता रहूंगा, चाहे मुझे 1000 वीडियो अपलोड करना पड़े यूट्यूब पे। अगर तब भी चैनल ग्रो नहीं होगा, मोनेटाइज नहीं होगा, तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है यार, आप हिम्मत मत हारिए, मतलब जल्दीबाजी मत करिए, कोई चीज़ में टाइम लगता है। मान लीजिए आप शुरू में कहीं कंपनी में लगेंगे, तो आपको शुरू में कोई थोड़े 20,000 रुपया दे देगा। आप मेहनत करेंगे वहाँ पे, आपको शुरू में 8-10 हज़ार रुपये में लगता है, जो कहीं भी हेल्परी में जाएंगे तो 8-10 गवाएंगे अपना, जैसे 1 साल 2 साल टाइम वहाँ देंगे उस कंपनी में, तब जाके आपका सैलरी 15,000 या 20,000 होता है। ऐसे कहीं नहीं कुछ भी होता है यार। तो मैं कहता हूँ यार, आप कहीं छोटा मोटा जॉब कर लीजिए, 7-8 हज़ार रुपये के जॉब कर लीजिए। करने के बाद आप वहाँ पे टाइम दीजिए, जिससे आपका खर्चा चल सके, आपका घर का खर्चा चल सके, छोटा मोटा ही खर्चा चले, लेकिन चले। और उसके बाद यूट्यूब पे भी टाइम दीजिए अपना। अब जिस दिन मतलब जिस दिन से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यूट्यूब पे जितना आप टाइम दे सके देंगे, जितना आप टाइम लगा दे सकते हैं यूट्यूब पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मतलब मैं भी कैसा इंसान हूँ यार, जो इतना नहीं घबराता हूँ मैं, तो इसी तरह आपको भी नहीं घबराना है। बस कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही था, आपको घबराना नहीं है, आपको बस आपको ये है कि मुझे कहीं नौकरी ना करना पड़े, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ। तो आप बनाइए, बिल्कुल सही सही कर रहे हैं, आप चैनल बनाइए और उस पे, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। तो बनाइए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिम्मत रख के बनाना पड़ेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा यूट्यूब पे, 1.5 साल 2 साल टाइम गंवाना पड़ेगा आपको। यार ऐसे भी जॉब लगता है तो आदमी कितना टाइम गंवा देता है यार, तो जॉब में कुछ नहीं रखा है, पैसा उतना ही के उतना ही रहेगा आपका। आप जॉब प्राइवेट जॉब किए होंगे, उसमें पैसा बढ़ता है नहीं बढ़ता है जल्दी? लोग ठेकेदार, बीच में ठेकेदार आ जाते हैं, आजकल ठेकेदार हैं, साला पैसा बढ़ता भी है, बढ़ा के लेते हैं पैसा, लेकिन हेल्परों को देते नहीं है, ये हो गया आजकल। तो मैं कहूँगा उससे अच्छा है कि आप यूट्यूब चैनल बनाइए, और बनाने के बाद उस पे भी टाइम दीजिए, आप जॉब करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार अपना जॉब छोड़ के घर बैठ जाइए और वीडियो बनाना, चैनल क्रिएट कीजिए और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद सारा टाइम इसी पर दे दीजिए। यार मत दीजिए इस पे सारा टाइम, इस पे बस 5-6 घंटे का टाइम बहुत है, और वो उतना टाइम आप निकाल सकते हैं एक जॉब करके, 8 घंटे का जॉब करके आप इतना टाइम निकाल सकते हैं वीडियो बनाने के लिए, यूट्यूब के लिए। बस वीडियो बनाइए यार, और यार वीडियो लास्ट टाइम तक देखिएगा यार, देख चुके हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा से कमेंट कर देना यार, इतना बस हाथ जोड़ के विनती है यार भाई।